बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई होप आई एम क्लियर, क्लियरली ऑडिबल। यस सर, यस सर। अच्छा, आज का जो लेक्चर है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में भेज सकूँ। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। आपको टिप्स हैं कि आपने ना शॉर्ट केसेस कैसे करने हैं। मैंने ना आज पेशेंट्स नहीं दिखाने, तस्वीरें नहीं दिखानी, क्योंकि शॉर्ट केसेस करने का एक तरीका ये है कि मैं आपको ना की प्रैक्टिस कराऊं। फॉर एग्जांपल तस्वीर दिखा के ये आपके पास शॉर्ट केस आ गया है, इमेजिन इट एज अ शॉर्ट केस, और देन व्हाट विल यू एग्जामिन, कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे। अपना अपने आप को म्यूट करें ताकि मैं मेरी आवाज़ में डिस्टर्बेंस ना आए किसी और। तो एक तो तरीका ये है कि आपको ना इस तरह की प्रैक्टिस कराई जाए कि आपको ना, जैसे मैंने पहले भी किया कि आपको क्लिनिकल स्लाइड्स दिखाई और हम एज्यूम कर लें कि क्लिनिकल स्लाइड्स जो है ना वो शॉर्ट केसेस हैं और हम उन शॉर्ट केसेस को इंडिविजुअली एक एक करके टैकल करें। लेकिन आज की जो टॉक है ना वो मैं इस रेफरेंस से करना चाहूँगा कि एक जनरल बातें कि आपने शॉर्ट केस करना है तो आपने उस शॉर्ट केस को कैसे टैकल करना है। ये वाली बातें कई दफ़ा मैंने पहले भी की हैं, लेकिन शायद इस तरह से ना एक कंसाइज फॉर्म में या एक एक लेक्चर की शक्ल में मैंने आपको कभी नहीं दी। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ना ये जनरली जो एग्जामिनर का कंसेंसस होता है कि हाउ टू एग्जामिन अ लॉन्ग केस, हाउ टू एग्जामिन अ शॉर्ट केस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एग्जामिनर इसी तरीके से आपको चलाए। हो सकता है कि कोई और एग्जामिनर किसी और तरीके से आपको एक्सपेक्ट करे, लेकिन वो जो तरीका होगा वो बहुत डिफरेंट नहीं होगा एक जनरल तरीके से कि जिस तरह से मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। तो कैसे, मतलब हमने एक शॉर्ट केस शुरू करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि शॉर्ट केस में आपके पास 10 मिनट्स हैं, जिसमें से 5 मिनट्स आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के हैं और 5 मिनट्स आपके वाइवा के। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको एक कमांड मिलेगी एग्जामिनर की तरफ से, एग्जामिन द फेस, एग्जामिन द हैंड। अच्छा, बाज दफा एग्जामिनर्स देते हैं ये दे के छोड़ देते हैं कि एग्जामिन द फेस, तो आप फेस एग्जामिन करके आपने जब जो कुछ फेस पे देखना है देख लिया, उसके बाद आप इजाजत देंगे कि क्या शुड आई प्रोसीड, मैं और जगह देखना चाहता हूँ। आपको एग्जामिनर कहेगा ओके। बाद दफा एग्जामिनर कहेगा कि एग्जामिन द फेस एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ने एक तरह से आपको खुली छूट दे दी कि अब आप फेस एग्जामिन करने के बाद उस पेशेंट को जिस तरह से मर्जी है एग्जामिन करेंगे। क्यूटेनियस एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स और भी जो जगहें करके, एंड देन आप आपको एग्जामिनर से अब इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है आइंदा एग्जामिनेशन के लिए, सिवाय अगर आप जेनिटल एग्जामिनेशन करना चाहें तो आपने एग्जामिनर से इजाज़त लेनी है, पेशेंट से नहीं, एग्जामिनर से। आपको एग्जामिनर इजाज़त देगा तो फिर पेशेंट से इजाज़त ले। तो एक कमांड देख ले, अगर कमांड में आपको ये नहीं कहा गया कि प्रोसीड अकॉर्डिंगली, तो आपने उस जगह को एग्जामिन करके then you will ask the permission of examiner के should I proceed or otherwise आपने directly proceed कर लेना है उसका further examination। So introduction and अच्छा कोई सवाल नहीं पूछना। हाँ, patient से आप बात कर सकते हैं regarding the examination कि kindly कमीज उतार लीजिए, kindly हाथ ऊपर कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, posture change कर लीजिए, पूछ लें कोई दर्द तो नहीं हो रहा, इस तरह का कोई आपको तकलीफ तो नहीं हो रही, क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। लेकिन ये निशान कब से है, बचपन से है, कब से है, कब से कैसे शुरू हुआ, ये इस तरह का कोई सवाल आपको शॉर्ट केस में करने की इजाज़त। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट, कंसेंट टू एग्जामिन के मैं आपका मुआयना करना चाहती हूँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लिया। Then examination का start होगा, start the examination with region specified by the examiner. If examiner has not indicated, then proceed accordingly, take permission to do relevant examination and then proceed to examine other areas.
जब आपने स्किन का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया तो ये पांच एरिया जरूर याद रखें, जिनको मैं हिडन एरियाज कहता हूँ, इनका कोई और नाम भी रख सकते हैं, लेकिन ये फाइव एरियाज किसी भी क्यूटेनियस एग्जामिनेशन में कंप्लीट नहीं होगा अगर आप ये एरियाज नहीं देखें। हेयर्स मतलब स्कैल्प, नेल्स, ओरल म्यूकोसा, जेनिटल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो जेनिटल्स के एग्जामिनेशन करने से पहले आपने एग्जामिनर से दोबारा परमिशन लेनी। एंड देन आफ्टर डूइंग द स्किन एंड रेलिवेंट स्किन एग्जामिनेशन एंड दीज फाइव एरियाज, देन यू विल गो फॉर अ रेलिवेंट सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। टाइम बहुत शॉर्ट है तो आपने रेलिवेंट एग्जामिनेशन करना है। रेलिवेंट से मतलब ये है कि वो एग्जामिनेशन जो उस पर्टिकुलर शॉर्ट केस में जो आपने स्किन एग्जामिनेशन के बाद एक डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया है, उस शॉर्ट केस के अकॉर्डिंगली आपने उसका सिस्टेमिक एग्जामिनेशन कर। फॉर एग्जाम्पल वेस्कुलाइटिस का केस, तो वेस्कुलाइटिस में आपको मालूम है कि जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं स्किन के अलावा वो लंग्स और किडनीज हैं, तो वो एग्जामिनेशन करें जिसमें लंग्स और किडनी इन्वॉल्व, किडनी का ब्लड प्रेशर, लंग्स, किडनी, इस तरह के ना आपने एग्जामिनेशन करने। इस तरह से और जो भी सिस्टम रेलिवेंट है उसका एग्जामिनेशन करें। अगर तो आपको कुछ रेलिवेंसी समझ नहीं आ रही तो बेहतर है कि आपने एक क्विक सिस्टेमिक इंक्वायरी रिव्यू कर लें, लाइक ऑस्कल्टेट कर लें उसको, आप उसकी हार्ट को सुन लें और उसकी विस्ट्रोमेगैली देख लें, लिम्फ नोड देख लें, कुछ सेंसेशंस। लेकिन ये आप कर नहीं सकेंगे अगर आप के अंदर कोई क्लू नहीं तो, और आपको ना हर अपना जो स्टेप है वो आपने एग्जामिनर से ने आपसे सवाल पूछने उसके बारे में। शॉर्ट केस का छुपा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं आपको क्वेश्चन करने के, तो यूजुअली ये 5 मिनट्स आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर ही निकल जाते हैं। सिर्फ वो कैंडिडेट्स के जिन्होंने बड़ा स्क्रूपलेसली बड़ा एक्यूरेट क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया होता है, उनका वाइवा उस डिजीज से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड भी होता है। लेकिन जनरली 5 मिनट्स का मेजर पोर्शन आपका आपका एग्जामिनेशन पे चला जाएगा। और फिर चूंकि वैसे हमने स्कोरिंग में आपसे उसके बारे में डिस्कशन डिजीज के बारे में और न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में पूछना है, तो आप एक दो सवाल जरूर जहन में रखिएगा कि इस बीमारी के बारे में आपसे पूछा जाए। जो भी डायग्नोसिस करेंगे उस डायग्नोसिस को आपको डिफेंड करने की आर्गुमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। और जो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे, जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा और क्या हो सकता है, तो आपको उन डिफरेंशियल डायग्नोसिस के प्लस और माइनस दोनों फीचर्स आपको होने चाहिए। और आप जब उनसे अपने फर्स्ट डायग्नोसिस के बाद सेकेंड या थर्ड डायग्नोसिस करेंगे बताएंगे, तो आप ये बताएंगे कि मैंने इसका सेकंड डायग्नोसिस क्यों नहीं किया और क्यों हो सकता है सेकंड डायग्नोसिस या थर्ड डायग्नोसिस। व्हाट टू ऑब्जर्व इन क्यूटेनियस एग्जामिनेशन, ये आपको मैंने पहले भी लेक्चर दिया और आपको मैंने एक दफा दोबारा शेयर किया कि वो आप लेक्चर दोबारा एक दफा देख लें। ये काफी सारा पोर्शन उस लेक्चर से ही है क्योंकि वो लेक्चर क्यूटेनियस एग्जामिनेशन के ऊपर है। हमारा जो क्लिनिकल शॉर्ट केसेस हैं वो आपको मालूम है कि वो डर्मेटोलॉजी रिलेटेड होंगे, तो उसमें आपको मेन जो चीज़ करनी है वो स्किन एग्जामिनेशन ही है। तो आपने स्किन एग्जामिनेशन में जो लीजन्स हैं उनमें आपने 4 चीज़ें देखी, टाइप्स, लीजन्स किस तरह के हैं, और मैक्यूल हैं, पेप्यूल हैं, वेजिकल्स हैं, नोड्यूल्स हैं, क्रस्ट हैं, प्राइमरी लीजन है, सेकेंडरी लीजन्स हैं, उनकी शेप क्या है, उनकी अरेंजमेंट क्या है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये सारी बातें आपने उस एग्जामिनेशन के जब एंड करेंगे तो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में बताएं। एज अ कैंडिडेट नॉट ओनली यू नीड टू मेक करेक्ट ऑब्जर्वेशंस बट यू मस्ट आल्सो बी एबल टू डिस्क्राइब इट एक्यूरेट। मे बी आप बहुत अच्छा एग्जामिनेशन कर रहे हैं और हम आपसे बहुत इंप्रेस हो रहे हैं कि आप जो है ना बड़ा एक्यूरेटली और बड़ा आपने क्लोजली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइंस डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब आपने उन साइंस का जो आपने पिक किए उनका जब आपने डिस्क्राइब करना शुरू किया तो वो डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आपकी करेक्ट नहीं है। तो इसलिए सिर्फ ऑब्जर्व करना काफ़ी नहीं है, वो डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है, चाहे जो चीज़
एक्चुअली मौजूद है और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, एक बात, चूंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, आप सारे लोग एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं अपने घर में, मतलब आप अपने लाहौर वाले लाहौर में, कराची वाले कराची में, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में, आपको ये भी एक्सपेक्टेड है कि काफी सारे केसेस का पता भी चल जाए, लेकिन अपने एग्जाम में उन ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान ना दीजिएगा जो आपने किसी ने आपको बताई। आपने जो भी एग्जामिनेशन करना है खुद करना है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज बताएंगे जो मौजूद नहीं होगी तो उसके वो बड़ा नेगेटिव जाएगा आपके ऊपर। तो इसलिए नोइंगली कि अगर आपको एक कोई केस पता भी है, बट आप अब उसको बैक ऑफ माइंड में रखते हुए उसको बिल्कुल एक फ्रेश एग्जामिनेशन करें, और अगर कोई नई ऑब्जर्वेशन है तो उसको भी आप एक्यूरेटली डिस्क्राइब करें। देन एज एंड ऑफ दिस स्किन एग्जामिनेशन यू यू विल फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस विद रीजनिंग। देन व्हाट आर द डिस्क्रिप्टिव टर्म दैट एड्स इन एग्जामिनेशन? लीजन ऑल्दो इज अ लेमन टर्मिनोलॉजी, बट हम लीजन को डिस्क्राइब करते हैं स्किन की लीजन्स के, स्किन के एक्चुअल डिस्क्रिप्शन के साथ, जैसे कि देयर आर मल्टीपल पेपुलर लीजन्स, देयर आर मल्टीपल वेजिकुलर लीजन्स। तो हम लीजन्स को यूज करते हैं अपने अपने स्किन के एग्जामिनेशन के अंदर। तो लीजन इज यूजली अ स्मॉल एरिया ऑफ पैथोलॉजी, और जब बड़ी एरिया में पैथोलॉजी हो तो वो इरप्शन कहलाती है। तो हम इरप्शन का लफ्ज भी डिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं कि ये वेजिकुलर इरप्शन है या पेपुलर इरप्शन है या अर्टिकेरियल इरप्शन है या जैसे भी। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपसे कई दफा एग्जामिनर पूछेंगे या आपको बताना होगा कि प्राइमरी लीजन है या ये सेकेंडरी लीजन है। हर वो लीजन के जो उस बीमारी को डिस्क्राइब करता है, जाहिर है उसके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस बीमारी के, चाहे वो वेजिकुलर डिजीज है, ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर है, पेपुलर या प्लाक्स हैं, या कोई और ऐसी उसकी फीचर है, तो अल्सर है, तो वो उसका ना प्राइमरी लीजन। दे आर फर्स्ट टू अपियर एंड ड्यू टू द डिजीज और द एबनॉर्मल स्किन। प्राइमरी लीजन मैक्यूलर या मैक्यूल भी हो सकता है, जो कि विच इज जस्ट एन ऑल्टरेशन इन कलर ऑफ द लीजन, और पैच भी हो सकता है जिसका साइज 1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। पेप्यूल भी हो सकता है कि विच इज अ सॉलिड एलिवेशन लेस देन 1 सेंटीमीटर। इट कुड बी अ प्लाक, इट कुड बी अ पेप्यूल, इट कुड बी अ प्लाक, इट कुड बी अ नोड्यूल। तो प्लाक और नोड्यूल का फर्क आपको पता होना चाहिए, दोनों 1 सेंटीमीटर से बड़े लीजन्स हैं, लेकिन जो प्लाक है वो ऊपर से फ्लैट है, प्लेटो लाइक, और जो नोड्यूल है वो कन्वेक्स है ऊपर से। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा एग्जामिनेशन ऑफ लंप। लंप आपके पास एग्जामिनेशन में आएगा, इट कुड बी अ नोड्यूल जो के पेडंकुलेटेड भी हो सकता है, या वो सिर्फ एक बम्प की शक्ल में हो सकता है। तो आपको अगर एक लंप मिल गया है टू एग्जामिन, तो आपने क्या चीजें उस लंप से रिलेटेड करनी है? सबसे अहम कि उसकी साइट या उसकी पोजीशन क्या है। वो पोजीशन आपने डिटरमिन करनी है फ्रॉम एनी बोनी पॉइंट, लाइक एल्बो, लाइक रिस्ट, शोल्डर, नी। आप किसी भी एक बोनी पॉइंट से लेके आप ये कह सकते हैं कि दिस देर इज अ लम्प लोकेटेड 3 सेंटीमीटर अबव द एल्बो जॉइंट। इस तरह से आप उसकी ना साइट और पोजीशन करेंगे उस लम्प की। देन उसका कलर और टेक्सचर ओवरलाइंग स्किन का कैसा है, स्किन कलर्ड है, एरिथीमेटस है, पिगमेंटेड है, या जैसे भी है, उसकी शेप क्या है, उसकी कोई खास शेप है उस लम्प की, वो सर्कुलर है, वो पियर शेप है, वो एलमंड शेप है, या उसका कोई और खास शेप है, उसका साइज क्या है। साइज को मेजर करेंगे आप अपने मेजरिंग टेप के साथ। उसका सरफेस कैसा है, सरफेस इंटैक्ट है, या उस लम्प के ऊपर कोई अल्सरेशन है, या कोई और सरफेस में कोई और ऑल्टरेशन, लाइक उसके ऊपर टेलेंजिएक्टेसियाज हैं, स्किन एट्रोफिक है, या जो भी उसके सरफेस पे चेंजेस हैं वो डिस्क्राइब करें। उसके बाद टेम्परेचर, इज इट हॉट? यूजली वेस्कुलर लम्स जो है ना वो हॉट होते हैं,
टेम्परेचर उसका हाई टेम्परेचर है कि नॉर्मल है, टेंडरनेस आप पेशेंट से पूछ सकते हैं। लम्ब को जब आप एग्जामिन कर रहे होंगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहे करेंगे कि उसको पेन हो रहा है या नहीं, और अगर वो नहीं कुछ कह रहा तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें दर्द तो नहीं होता आपको, एज कैसी है। एज का मतलब ये है कि उस लम्ब की बाउंड्री कैसी है, क्या वेल डिमार्केटेड है, वेग है, इरेगुलर है, कैसी है, लम्ब की कंपोजिशन कैसी या कंसिस्टेंसी कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी। जैसे कि हार्ड है, हार्ड हम डिस्क्राइब करते हैं हार्ड लाइक अ बोन, फर्म लाइक अ कार्टिलेज, रबरी जैसे कि रबर बॉल को आप स्क्वैश करें, स्पॉन्जी, यूजली स्पॉन्जी जो मैसेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं लेकिन जब आप उसको कंप्रेस करेंगे उसके अंदर रेजिलियंस होती होती है, वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, तो वो स्पॉन्जी मासेस। और सॉफ्ट वो हैं कि जो इतने नरम और नाजुक हैं कि आप दबाएंगे तो वो फौरन अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएंगे, उसके अंदर फ्लक्चुएशन है, मींस कोई फ्लूइड है, पल्सिटाइल है कि जैसे कि हम वेस्कुलर मासेस को कर सकते हैं, रिड्यूस होता है उसको अगर आप दबाएंगे तो क्या वो अंदर चला जाता है, जैसे हर्निया की रिड्यूसिबिलिटी होती है। सराउंडिंग टिश्यू कैसा है उस लम्ब का, बाकी स्किन कैसी है, रीजनल लिम्फ नोड्स बार दफा रिक्वायर्ड होंगे आपको एग्जामिन करने के, और जनरल एग्जामिनेशन जो उस लम्ब से रिलेटेड आपको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल न्यूरोफाइब्रोमा है तो आपने उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर देखना है या उसके आपने हायर मेंटल फंक्शंस चेक करने हैं, तो आपने उसी हिसाब से फिर जनरल एग्जामिनेशन अपना प्लान करना है। तो ये हो गया एक लम्ब का एग्जामिनेशन। देन लीजन्स मे नॉट बी लम्पी, दे कैन बी वेजिकुलर और बुलस, बहुत कॉमन है ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर्स का एग्जाम में आना। वेजिकल वो हैं कि जो लेस देन वन सेंटीमीटर, हाफ अ सेंटीमीटर, बुला मोर देन हाफ अ सेंटीमीटर, और लीजन्स पस्ट्यूल भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि पस बड़ा भरा हुआ हो, ग्रुप्ड हों या स्कैटर्ड हों, फिर आप वो डिसऑर्डर सोचेंगे जिसमें पस्ट्यूल्स बनते हैं। व्हील लाइक अर्टिकेरियल, कम चांसेस है कि व्हील वाले पेशेंट आपके पास आए क्योंकि व्हील ट्रांसिएंट होते हैं। अच्छा, अब ये तो सारे जो लीजन्स आपको डिस्क्राइब किए गए ये प्राइमरी लीजन्स हैं, क्योंकि हर बीमारी का एक प्राइमरी लीजन होता है। कोई एक सार्कॉइडोसिस है तो वो नोड्यूलर लीजन्स बनेंगे, लूपस वल्गैरिस है प्लाक्स बनेंगे, अल्सरेटेड प्लाक्स होंगे या जैसे भी होगा, तो ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर है तो वेजिकल्स बनेंगे, तो इस तरह से ये सारे प्राइमरी लीजन्स। अब वो सेकेंडरी लीजन्स वो हैं कि जो उस डिजीज के इनिशियली डिजीज के होने के बाद वो लीजन्स स्किन के ऊपर नमूदार हुए, जैसे कि एक्सकोरिएशन। अब एक्सकोरिएशन का मतलब ये है कि जो लीजन्स हैं ये बहुत ज्यादा इची हैं, और एक्सकोरिएशन ऑलवेज एक्यूट होती हैं क्योंकि इसमें ना स्क्रैच मार्क्स होते हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये मल्टीपल नेल के स्क्रैचेस हैं, ये एक तरह का इंडिकेशन होती है कि द पेशेंट द लीजन्स आर एक्यूट ऑनसेट, बहुत क्रॉनिक नहीं है। लेकिन जो क्रॉनिक लीजन होते हैं वो लाइग्निफिकेशन के साथ जाहिर होते हैं। लाइग्निफिकेशन का मतलब है इंक्रीज इन स्किन थिकनिंग, क्रॉनिक थिकनिंग ऑफ द स्किन विद एक्सेंचुएशन ऑफ द स्किन क्रीजेस। लाइग्निफिकेशन डिफ्यूज भी हो सकती है और लाइग्निफिकेशन पेबली या नोड्यूलर लाइग्निफिकेशन भी हो सकती है, जैसे कि एटॉपिक्स में भी हो सकती है, जैसे कि प्रूराइगो नोड्यूलरिस है। क्रस्ट ऑलवेज सिग्निफाई एक्यूटनेस ऑफ अ लेशन, क्योंकि क्रस्ट आर एक्चुअली द फ्लूइड एक्सुडेट विच इज कमिंग आउट ऑफ द लेशन। वो फ्लूइड एक्सुडेट क्लियर भी हो सकता है, तो आपको क्लियर येलोइश ऑरेंजिश येलोइश क्रस्ट मिलेंगे, वो पस भी हो सकता है तो आप कहेंगे कि प्रूलेंट क्रस्ट हैं, और वो ब्लड भी हो सकता है तो आप कहेंगे कि ये हेमरेजिक क्रस्ट। देयर कैन बी स्कार्स। अब स्कार के बारे में आपको मैंने जरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जरा चीज मिस कर दी है कि एक स्कार होता है हाइपरट्रॉफिक, एक स्कार होता है एट्रॉफिक। अगर तो हाइपरट्रॉफिक स्कार है तो आपने जिक्र करना है कि इन लीजन्स के दरमियान देयर आर हाइपरट्रॉफिक स्कार, और अगर तो एट्रॉफिक स्कार्स हैं तो आपने जिक्र करना है कि ये एट्रॉफिक स्कार है। अब मैंने ना अपने कई लेक्चर्स में आपको एट्रॉफी और स्कार का फर्क बताया, ये तो अभी है स्कार को, स्कार चाहे रेज्ड होगा या चाहे डिप्रेस्ड होगा चाहे एट्रॉफिक होगा, उसका जो मेन फीचर है वो मौजूद होगा, यानी कि लॉस ऑफ स्किन मार्किंग्स, लॉस ऑफ हेयर फॉलिकल। तो ये जो फीचर है एक स्कार का कि स्किन मार्किंग्स भी खत्म हो गई हैं उसमें, और उसमें हेयर फॉलिकल्स भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन जो सिंपल एट्रॉफी है,
आमतौर पर एट्रोफी एपिडर्मल भी हो सकती है और डर्मल भी हो सकती है। जो एट्रोफी है उसमें हम ये देखते हैं कि स्किन एपिडर्मस थिन हो जाती है, ये डर्मस थिन हो जाती है, लेकिन स्किन मार्किंग्स भी प्रिजर्व रहती हैं और फ�ॉलिकल्स भी मौजूद रहते हैं। सिर्फ वो स्किन जब आप पेल्पेट करते हैं तो वो स्किन अंदर की तरफ धंसी हुई या डिप्रेस ही मिलती है। तो वो अगर तो स्किन अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है और ऊपर स्किन मार्किंग्स और हेयर फॉलिकल मौजूद हैं तो ये एक एट्रोफी है, स्कारिंग नहीं है। लेकिन अगर स्किन अंदर की तरफ धंसी हुई है और स्किन के अंदर लॉस ऑफ स्किन मार्किंग्स हैं और लॉस ऑफ हेयर फॉलिकल्स हैं, तब वो एट्रोफिक स्कारिंग होगी, एट्रोफी नहीं होगी। तो हमने ये डिटरमिन कर रहे हैं कि हमारे प्राइमरी लेजन्स के दरमियान स्कार्स हैं या नहीं। फिर स्केल्स, स्केल्स आपको मालूम है कि इट इज बिकॉज ऑफ पैराकेराटोसिस। जिन डिसऑर्डर्स में स्केल होंगे उनमें एक ऑब्वियस बात है कि वो एपिडर्मल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें एपिडर्मल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। स्केल्स को आपने जब भी स्केल देखेंगे आपने अपने टंग डिप्रेसर से स्केल को डिसलॉज करने की कोशिश करनी, लेकिन ये डिसलॉजमेंट जो है ये एक पेनफुल प्रोसेस है और इस तरह ये काम करते वक्त आप पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि उसने चेहरे पे कोई नागवारी के असरात तो नहीं आ रहे, उसको कोई बुरा तो नहीं लग रहा, और अगर वो लग रहा है तो आप उसको कंसोल करेंगे और उसको पूछेंगे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही या थोड़ी सी और आपको डिस्कम्फर्ट होगी, बस मेरा एग्जामिनेशन कंप्लीट होने वाला है। तो स्केल्स थिक भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट टू डिसलॉज भी हो सकते हैं और बहुत सॉफ्ट परफोरेशियस हो सकते हैं जो आसानी से उतर जाएंगे, माइका लाइक हो सकते हैं, टिन टैक हो सकते हैं। तो जो भी स्केल का करेक्टर है वो इस एग्जामिनेशन के दौरान आपने नोटिस करना है। फिर एक और कंडीशन है कि जिसमें हाइपर कैराटोसिस हो, आमतौर पे जो एक थायटिक डिसऑर्डर्स हैं, केराटोडर्माज हैं, वायरल वॉट्स हैं या और इस किस्म के हाइपर कैराटोसिस वाली कंडीशंस हैं, उसके अंदर स्टेटम कॉर्नियम थिक होता है। स्टेटम कॉर्नियम थिक होता है, पैरा कैराटोसिस नहीं होता। अब उस थिक स्टेटम कॉर्नियम को आप जितना मर्जी अपने टंग डिप्रेसर से उतारने की कोशिश करेंगे वो नहीं उतरेगा। तो ये जब आपको नहीं उतर रहा तो आप ये अज्यूम कर लेंगे कि ये स्केल्स नहीं है, ये हाइपर कैराटोसिस है। That is thickening of stratum cornea. Means that the disorder is not having parakeratosis, it's having hyperkeratosis. बहुत सारी कंडीशन में जिस तरह पेम्फिगस है आपको vesicles भी मिलेंगे और आपको erosions भी मिलेंगे। आपको मालूम है कि erosions are superficial and they are because of loss of epidermis, but जो basal layer है वो intact है। अच्छा, एक ब्लिस्टर्स की डिस्क्रिप्शन में, बुला की डिस्क्रिप्शन में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने ये स्पेसिफाई करना है कि ये फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट या बुला है या ये टेंस बुला है, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉफ्ट बुलाज होते हैं या फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट बुलाज होते हैं वो एपिडर्मल होते हैं जिसमें एपिडर्मस के अंदर फ्लूइड होता है, और जो टेंस ब्लिस्टर्स होते हैं वो आमतौर पे वो होते हैं कि जो डर्मल, इसमें सब एपिडर्मल होते हैं। अब अल्सर वो कंडीशन है कि जिसके अंदर देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ एपिडर्मल, तो अल्सर विल ऑलवेज हील विद अ स्कार, चाहे वो हाइपरट्रॉफिक होगा या वो एट्रॉफिक होगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ एन अल्सर। ये अल्सर आपके पास न्यूरोपैथिक भी हो सकता है, ये अल्सर आपके पास वैस्कुलर भी हो सकता है, ये आगे वीनस भी हो सकता है, आर्टीरियल भी हो सकता है, ये किसी इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से भी अल्सरेशन हो सकती है, लाइक लूपस वल्गैरिस या कुटेनियस लीशमेनियासिस या डीप फंगल इन्फेक्शन, और ये अल्सरेशन आपको किसी मेलिग्नेंट कंडीशन की वजह से भी हो सकती है। तो आपको ये सारा इस एग्जामिनेशन में, अब यहाँ मैं आगे नहीं जाऊँगा, पहले हम अल्सर का एग्जामिनेशन यहाँ पे कर लेते हैं। अब आपके पास एग्जाम में एक अल्सर आ गया, सबसे अहम चीज ये डिटरमिन करना है कि अल्सर की साइट क्या है। फुट पे है, हैंड पे है, फेस पे है, और फुट पे है तो मीडियल है कि लेटरल है। आपको पता है कि मीडियल अल्सर वीनस होते हैं और लेटरल या इंटीरियर या फुट पे वैस्कुलर आर्टीरियल हो सकते हैं या और कॉजेज भी हो सकते हैं।
अल्सर का साइज क्या है, साथ साइट के साथ आप ये भी ऐड कर लें कि नंबर इज इट सॉलिटरी और आर दे मल्टीपल अल्सर साइज, एक जनरल अगर मल्टीपल अल्सर्स हैं तो एक जनरल अंदाजा कर लें, जरूरी नहीं है कि आपने 10 अल्सर हैं तो 10 अल्सर के आप साइज डिटरमिन करने लग पड़े, ना इतना टाइम है और ना आप कर सकते हैं, जनरल अंदाजा कर लें कि 2 सेंटीमीटर के हैं या 1 सेंटीमीटर डायमीटर के अल्सर हैं, कैसे शेप कैसी है, राउंड है, एलिप्टिकल है या किसी और शेप, टेंडरनेस अल्सर, क्योंकि आप एग्जामिनेशन विद ग्लव्स कर रहे होंगे तो आप उसको पेल्पेट कर सकते हैं उसका टेंडरनेस मालूम करने के लिए कि उसमें अल्सर पेनफुल है या नहीं। न्यूरोपैथिक अल्सर पेनफुल नहीं होंगे, आर्टीरियल अल्सर बहुत पेनफुल होंगे। टेम्परेचर हाई है, लो है, एज कैसी है, एज इज इंपॉर्टेंट, एज के ऊपर एक अलग स्लाइड है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। ऐसे ही बेस कैसी है, मतलब जो बेस जो आपको नजर आ रही है वो बेस कैसी है उस अल्सर की, और जब आप उसको फील करेंगे तो एक और चीज जो आपने देखनी है बेस के साथ वो है इंड्यूरेशन, मतलब क्या वो अल्सर नीचे वाले स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच्ड है या वो सेपरेट है, इंड्यूरेटेड है का उसका मतलब ये है कि वो अल्सर फिक्स्ड है, उसको आप हिला रहे हैं तो वो अल्सर अपनी जगह से हिल नहीं रहा, इसके मतलब है कि इंड्यूरेशन है उसकी बेस, और अगर वो हिल रहा है तो इट्स नॉन इंड्यूरेटेड या वो अल्सर जो है ना वो फिक्स नहीं है। डेप्थ कितनी है, अंदाजे से आपने अल्सर के सरफेस और अल्सर की बेस की एक मेजरमेंट करनी, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर के इतनी डेप्थ है उस अल्सर से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, और अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो किस किस्म का है, सीरियस है, पुरुलेंट है या कोई या ब्लडी डिस्चार्ज है, उस अल्सर की बाकी एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, जो सराउंडिंग स्किन है। लिम्फेटिक ड्रेनिंग का मतलब ये है कि हमने लिम्फेंजाइटिस को एक्सक्लूड करना है, कई कंडीशंस हैं कि जिसके अंदर लिम्फेटिक कॉर्ड्स एनलार्ज हो जाती हैं, तो उस अल्सर से इमीडिएटली ऊपर आप पल्पेट करेंगे हॉरिजॉन्ट वर्टिकली ताकि कोई लिम्फेटिक चैनल अगर कॉर्ड एनलार्ज है तो आपको नजर आ जाए। क्या वो अल्सर एक नॉर्मल स्किन पे, या वो अल्सर के गिर्द जो स्किन है उसमें ट्रॉफिक चेंजेस, ट्रॉफिक चेंजेस से मुराद ये होती है कि वो चेंजेस के जो ब्लड फ्लो कम होने से होते, और ब्लड फ्लो कम होने से स्किन की कलर भी चेंज हो जाता है, स्किन का टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, वहाँ पे बाल खत्म हो जाते हैं, हेयरलेस स्किन हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है, और उसके इर्द गिर्द टेलंगेक्टेसिया या कोई कोई रेटिकुलेट पिगमेंटेशन तो नहीं है। अब अल्सर का आपको ये मालूम नहीं है कि ये अल्सर वैस्कुलर है कि ये न्यूरोपैथिक है, आपने उस अल्सर से रिलेटेड पल्सेस का एग्जामिनेशन करना है, आपने ब्रेकियोरेडियल इंडेक्स करना है, आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, सेंसेशंस चेक करनी है आपने उस जगह की, और जनरल एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई अल्सर बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी है तो आप डायबिटीज के लिए उसकी आईज देख लीजिए, कैटरेक्ट देख लीजिए, या कोई और ऐसी रिलेटेड चीज़ें, नेल्स का या पैलर या इस तरह की चीज़ें जो उससे रिलेटेड हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अल्सर में करने की, इनको कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ें याद रहें और आप इसको करें। अल्सर की एज जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, स्लोपिंग एज आमतौर पर वीनस अल्सर्स में होती है कि मतलब दोनों साइड से स्लोप करके अल्सर नीचे जा रहा है, पिंच्ड आउट जिसका मतलब है कि आप जैसे कि आपने एक अल्सर को दबाया और दबा के वो जगह एकदम से स्ट्रेट नीचे चली गई, तो आमतौर पे जो पिंच्ड आउट अल्सर हैं वो आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं, अंडरमाइंड अल्सर्स, कि वो अल्सर के जिसके अंदर जितना आपको अल्सर का सरफेस नजर आ रहा है उसके अंदर जा रहा है, उस सरफेस के अंदर अल्सर की एज जा रही है, ये अंडरमाइंड एज जो है ना आमतौर पर टीबी में देखी जाती है, और रोल्ड एज का मतलब है कि जो अल्सर की एज है वो इस तरह रोल हुई है जैसे कि पेपर को हम रोल करते हैं, ये आमतौर पे बीसीसी में हम इसको रोल एजेस देखते हैं, और इवर्टेड एजेस मतलब वो सिर्फ रोल नहीं है वो पीछे की तरफ गिरी हुई भी, और जब क्या आप ये कह सकते हैं कि हाइपरट्रॉफिक एजेस हैं, तो ऐसी एजेस आमतौर पे एससीसी में होती हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। बेस नेक्रोटिक भी हो सकती है, पुरुलेंट भी हो सकती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू रेड रंग का होगा, आमतौर पे वेस्कुलर होता है तो इसलिए फ्रेश रेड कलर का बेस अगर है तो वो ग्रेनुलेशन,
और अगर पुअर ग्रैनुलेशन टिश्यू है जिस तरह न्यूरोपैथिक अल्सर में है तो उसमें आपको अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जैसे कि टेंडन्स भी नजर आ रहे हैं, तो आपने बेस के ऊपर एडुकेटली कमेंट कर। बेसिक फीचर ऑफ द लेजन्स टू बी नोटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन टाइप हो गया। अब हमने शेप और अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने जरूर इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर। शेप्स किस तरह की होती है, अभी तो हमने टाइप्स डिस्क्राइब की कि लेजन्स की टाइप क्या है, वेजिकुलर है, हार्ड है, नोड्यूलर है, प्लाक पेप्यूल प्लाक या कोई मैक्यूलर है, पैच है, लेकिन उसके बाद आपने ये भी करना है कि उसकी शेप कैसी है, क्या वो डिस्क शेप लेजन्स है लाइक डिस्कॉइड लेजन्स डीएलई या कोई डिस्कॉइड एक्जिमा गटेट सोरेसिस, एनुलर लेजन्स हैं वही बीमारियां जिसमें एनुलर लेजन्स हो सकते हैं, एनुलर लेजन्स पेपुलर भी हो सकते हैं, वेजिकुलर भी एनुलर लेजन हो सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक मल्टीपल एनुलर लेजन्स, रेटिकुलेट पैटर्न आमतौर पर लिविडो रेटिकुलरिस और वेस्कुलाइटिस में होता है, लीनियर ये स्पोरोट्रिकॉइड पैटर्न है, ये नोड्यूल्स हैं लीनियर पैटर्न में, और अगर कंटिन्यूस नोड्यूल है तो ये कॉर्नर फिनोमेना है, टारगेटॉइड। तो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में सर्पिजिनस आप ये कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये लीजन आप देख रहे हैं, आप कहेंगे देयर आर मल्टीपल शाइनी टू स्किन कलर्ड पेप्यूल्स विच आर सीन सिंगली एंड इन एंड कंफ्लुएंट एज वेल एज इन अ लीनियर फैशन डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉर्नर फिनोमेना। तो ये इसके डिस्क्रिप्शन में आपने इसकी टाइप का भी जिक्र कर दिया और आपने इसकी शेप का भी जिक्र कर दिया, देयर आर मल्टीपल पेप्यूल्स एंड प्लाक गिविंग अ टारगेटॉइड अपीयरेंस, देयर आर मल्टीपल लीनियर लिजन्स लोकेटेड ऑन द फुट शोइंग सर्पिजिनस शेप, मतलब ये इरेगुलर से लीनियर लेजन है वो सर्पिजिनस कराएंगे। तो आपने टाइप के साथ उस डिस्क्रिप्शन में उसकी टाइप के साथ इस डिस्क्रिप्शन में उसकी शेप का जिक्र किया। देन अरेंजमेंट इस तरह की हो सकती हैं जैसे कि लेजन्स ग्रुप्ड हैं, हर्पीज में आप कहेंगे देयर आर मल्टीपल ग्रुप्ड वेजिकल्स लोकेटेड ऑन पेरी ओरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अब आपने उसकी शेप टाइप का जिक्र किया कि वो वेजिकुलर है और शेप के बजाय आपने उसकी अरेंजमेंट को ले लिया कि वो ग्रुप है। इस तरह जो वेजिकल्स एनुलर फैशन में होते हैं उनको हर्पेटी फॉर्म कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि देर आर मल्टीपल वेजिकल्स एंड ब्लिस्टर्स इन एनुलर फैशन, या आप ये कह सकते हैं मल्टीपल वेजिकल एंड ब्लिस्टर्स इन हर्पेटिफॉर्म पैटर्न। तो हर्पेटिफॉर्म पैटर्न का मतलब ऑटोमेटिकली ये है, हर्पेटिफॉर्म का मतलब ग्रुप नहीं है, हर्पेटिफॉर्म का मतलब है कि एनुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजिकल्स और ब्लिस्टर्स। एग्मिनेट मतलब ये है कि लीजन्स जो हैं वो ना ग्रुप्ड हैं ना एनुलर हैं बल्कि वो सिंगली पड़े हुए हैं लेकिन एक जगह पे कंसंट्रेट हुए हैं, जैसे कि ये एग्मिनेट लीजन्स जो है ना ये आपको पेरी ऑकुलर नजर आ रहे हैं। सेटेलाइट लीजन्स मेन लीजन से हट के जो लीजन्स होते हैं वो सेटेलाइट लीजन्स कहलाते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली उस मेन लीजन जैसे होते हैं लेकिन उससे दूर होते हैं, जैसे कि ये कैंडिडिएसिस है, सेटेलाइट लीजन हम कुटेनियस लीशमैनियासिस में भी देखते हैं। तो आपने उन सेटेलाइट लीजन्स का जिक्र कर, कन्फ्लुएंस का जिक्र पहले आया है कि इंडिविजुअल लीजन्स हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से वो इंडिविजुअल लीजन्स कन्फ्लुएंट होके पेप्यूल जो है ना वो प्लाक्स बना लेता है। बाज दफा आपने लीजन्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी जिक्र करनी है और स्पेरिंग, आप भी कहेंगे देर इज डिफ्यूज एरिथीमेटस रैश ऑन द फोटो एक्सपोज एरियाज स्पेरिंग द एरियाज विच आर कवर्ड बाय द क्लोथ। अगेन स्पेरिंग द वेस्ट एरिया, लीजन सिमेट्रिकल हैं या नॉन सिमेट्रिकल, अगर तो बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं राइट और लेफ्ट साइड पे एक जैसे लीजन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उनको सिमेट्रिकल कहेंगे और अगर एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आप एसिमेट्रिकल कहेंगे। तो अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी टाइप हो गई कि लीजन्स की टाइप क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी को करके शेप क्या है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है और आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, लोकेटेड किधर है, क्या एक्सटेंसर डिस्ट्रीब्यूशन है,
क्या फ्लेक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या सेगमेंटल है, क्या सिर्फ पाम एंड सोल पे रिस्ट्रिक्टेड है, शिन एरिया पे है, इंफ्रा ऑर्बिटल है, या जो भी स्पेसिफिक लोकेशन स्कैल्प के अंदर है, सिबोरिक एरियाज में है, हेयर बेयरिंग एरिया में है, ग्लैबरस स्किन पे है, फॉलिकुलर है, पेरी फॉलिकुलर है, जो भी उसकी स्पेसिफिक फीचर आपको उसका मिलेगा, आपने उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसका जिक्र करना है। तो एग्जामिनेशन में प्राइमरी लिजन को आइडेंटिफाई किया, लिजन्स को पैल्पेट किया, उनकी टाइप्स और उनकी शेप्स का जिक्र किया, पैटर्न्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का किया, और देन आपने उसको एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल डिस्क्राइब भी किया। बाज दफ़ा आपको कोई बेड साइड टेस्ट करने पड़ेंगे उस लीजन को देखने के लिए। आपको डायस्कोपी तो कई दफ़ा करनी पड़ेगी अगर आपको सॉफ्ट प्लाक्स नज़र आ रहे हैं। स्क्रेप का मतलब ये है कि आपने यूजिंग योर टंग डिप्रेसर आपने लीजन को हल्का सा स्क्रेप करना है देखने के लिए कि स्केल्स हैं या हाइपरकेराटोसिस है। बेरियर साइन भी ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगा। आपको उस लीजन की बार दफ़ा सेंसेशंस भी चेक करनी पड़ेंगी। उस सेंसेशंस के लिए या आप कॉटन बड इस्तेमाल करें या फिर आप कोई टूथपिक इस्तेमाल करें। आपको वेजिकुलर ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स में निक्लॉस्की या एस्बो हैंसन साइन करना पड़ेगा या और साइन जिसका स्टैम्बर साइन है या कोई और ऐसा साइन है कि जो उससे रिलेटेड है उस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, तो वो आपको आपके उस क्लिनिकल एग्जामिनेशन का हिस्सा होगा वो साइन। ये वो पांच एरियाज हैं जो आपने अपना स्किन एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद आपने इनको मिस नहीं करना। हो सकता है कि उस एग्जामिनेशन के दौरान ये चीजें हो जाएं, और अगर नहीं हुई तो याद करें कि आपने मैंने पांच चीजें जरूर एग्जामिन करनी। मैंने उसका स्कैल्प देखना है, मैंने नेल्स देखना है, मैंने ओरल मिकोजा पे टॉर्च मार के जरूर देखना है, मैंने लिम्फ नोड्स रीजनल लिम्फ नोड्स चेक करने हैं, और जेनिटल्स के लिए मैंने एग्जामिनर से इजाजत ली। फिर रेलिवेंट एग्जामिनेशन आ गया, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन अगर रिक्वायर्ड है या अगर अदर सिस्टम्स चाहिए आपको, तो जनरली आपके पास रेलिवेंट एग्जामिनेशन के अलावा टाइम नहीं होगा, तो इसलिए आप रेलिवेंट चीज़ें एग्जामिन करें। तो ये हो गया जी मेरी तरफ से। अब वंस वी आर थ्रू विद द एग्जामिनेशन, फिर आपका वाइवा शुरू होगा, और उस वाइवे के अंदर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि वॉट आर योर फाइंडिंग्स। तो वो आप उस इस सवाल के जवाब में आपने अपनी फाइंडिंग्स बड़े एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन के साथ इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए आपने अपनी फाइंडिंग्स और पॉजिटिव फाइंडिंग्स या कोई रेलिवेंट नेगेटिव फाइंडिंग्स हैं तो उसका आपने जिक्र करना है। जब आप अगर तो आपने फाइंडिंग्स करेक्ट की हैं तो अगला सवाल पूछा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग्स व्हाट इज योर डायग्नोसिस। और अगर आपने फाइंडिंग्स में गलती की है तो वहां पे आप कन्फ्रंट होंगे और आपसे एग्जामिनर आपको केस पे ले जाके वो फाइंडिंग्स को दिखाने की कोशिश करेगा जो फाइंडिंग्स आप मिस कर बैठे। जब ऐसा हो रहा है इसके मतलब है कि अब आपकी ना फाइंडिंग्स की के अंदर कोई ना कोई कमी बेशी रह गई, विच इज ऑफ कोर्स नॉट अ गुड साइन। तो क्योंकि जितना ज्यादा आप ये करें कि आपके पांच मिनट में मुझे एग्जैक्टली वो ब्रेकअप नहीं मालूम, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन के नंबर हैं, डिस्क्रिप्शन के नंबर हैं, उन डायग्नोसिस के नंबर हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के नंबर हैं, उसके मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के नंबर हैं, और के जो जो न्यू आजकल उस पर इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट है उसके नंबर है। तो अगर तो टाइम इन्वेस्टिगेशन में ज़ाया हो रहा होगा तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें ना पूछी जाएंगी और ना उसके नंबर लगेंगे। तो इसलिए अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये में गलतियां हो रही हैं तो आप डेफिनेटली वापस जाएंगे और आपसे एग्जामिनर आपको वो चीज़ें पिक करवाएगा। लेट्स एज्यूम कि आपने बिल्कुल अच्छा एग्जामिनेशन किया, तो आपका सवाल है कि व्हाट इज योर डायग्नोसिस। आपने अपना डायग्नोसिस बताना है, ये जहन में रखें, फर्स्ट डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जामिनर्स आपको सेकेंड डायग्नोसिस के बिल्कुल नंबर नहीं देते, और कुछ शायद दे भी दें लेकिन फर्स्ट डायग्नोसिस को बहुत नपातुला सोच समझ के पहला डायग्नोसिस बोलना है, विच शुड बी कॉमन एंड विच शुड बी पर्टिनेंट। अनकॉमन डायग्नोसिस को यूजली नहीं किया जाता पहला, तो इसलिए आपने फर्स्ट डायग्नोसिस बोलना है।
अगर तो आपका फर्स्ट डायग्नोसिस करेक्ट हो गया, वही हुआ जो एग्जामिनर आपसे मांगना चाहता है, तो एग्जामिनर आपसे एक पासिंग के तौर पे ये पूछेगा कि व्हाट एल्स डू यू थिंक पॉसिबल। वो चीजें जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं फर्स्ट डायग्नोसिस में, उसमें आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस को बहुत हरेडली करें। बाज दफा तो आप कहेंगे कि सर इसमें ये 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 फीचर्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के फीचर किसी भी और कंडीशन में हो सकते हैं, तो देर इज नो अदर डायग्नोसिस, लेकिन फिर भी मैंने ये चीजें कंसिडर की, लेकिन बिकॉज उसकी ये फाइंडिंग्स नहीं थी तो मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया इन चीजों को। वंस आपका डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया, फिर आपका सवाल होगा हाउ वुड यू मैनेज द केस। मैनेजमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, एंड व्हाट इज न्यू रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, जब वो आपने सवाल का जवाब देना है। तो ये भी हो सकता है उस एग्जामिनेशन में कि आपसे पूछें कि आपने सिस्टमिक एग्जामिनेशन क्या किया, क्यों किया और क्या नहीं किया, तो ये वाला सवाल भी आपसे उसी दौरान में किया जाएगा। अब हमारे एग्जामिनेशन में देर आर फोर शॉर्ट केसेस, तो हम उन फोर शॉर्ट केसेस में आपने इन चारों शॉर्ट केसेस को इकट्ठा पास कर, तो ये ना हो कि एक शॉर्ट केस खराब होने के बाद उस शॉर्ट केस का जो मलबा है वो आपके दूसरे केस पे गिरे। तो इतना आपका कंपोजर स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने उस केस को वहीं पे छोड़ के अगले केस के ऊपर सोचना है, पिछला नहीं सोचना। एक केस शॉर्ट केस फेल होने के बावजूद आप तीन केसेस में पास होने से शॉर्ट केसेस को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन दो शॉर्ट केसेस फेल होने से शॉर्ट केसेस को क्लियर करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाए। तो अब हो गया मेरी तरफ से कंप्लीट, अब मैं आपसे सवाल पूछ आपके लेने को तैयार हूँ। आप मुझसे जो सवाल पूछे मेरी प्रेजेंटेशन से मतलब बता ले या इसके अलावा शॉर्ट केसेस से मतलब। क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर शॉर्ट केस में आपका ऐसा कोई केस आता है लाइक लेप्रेसी, अब आप जैसे बता रहे कि 5 मिनट्स है, लास्ट ईयर आया था लेप्रेसी का, और 5 मिनट्स में लेप्रेसी की हम एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मतलब, इस तरह के केसेस मतलब, के लिए आपके क्या टिप्स होंगे सर कि हम फिर क्या करें इस तरह का, जैसे उसके नर्व्स भी। एक सेकंड, ट्यूबरक्लाइड लेप्रेसी का पेशेंट है, 4 आर्म पे एक लीजन है, आप क्या एग्जामिन करेंगे? मैंने आपको टास्क दिया कि एग्जामिन द 4 आर्म एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। अब आप अपना एग्जामिनेशन शुरू करें। एग्जामिनेशन शुरू करें ना, मुझे बताएं क्या एग्जामिन करेंगे। सर, आफ्टर डूइंग क्यूटेनियस एग्जामिनेशन और जो आपने 5 हिडन एरियाज बताए वो करने के बाद, देखो सर, आई विल सी द शेप साइज सिमेट्री ऑफ द लीजन। हाँ, मतलब जो एक लेप्रेसी का एग्जामिनेशन होता है ना, अगर एक सॉलिटरी लीजन है, आपको एनुलर लीजन नजर आ रहा है, हाइपोपिगमेंटेड नजर आ रहा है, आपने उसकी आपने उसको देखा, पहले तो उसका वो किया, एग्जामिनेशन किया, फिर उसके आपने उसको टच किया, आपने उसके सेंसेशंस चेक किए, आपने उसके सराउंडिंग स्किन को हल्का सा पेल्पेट किया कि कोई नर्व थिकनिंग सराउंडिंग स्किन में तो नहीं है, फिर आपने बाकी स्किन पे देखा कि सिमिलर लीजन्स और तो नहीं है उसकी बाकी स्किन के ऊपर, हाथों पे, पैरों पे और जगहों पे। अब आप एनेस्थीसिया उसका ऑब्जर्व कर चुके हैं और आप अपना डायग्नोसिस लेप्रेसी बना चुके हैं। अब लेप्रेसी का आपको मालूम है कि लेप्रेसी का स्कैल्प पे या जेनिटेलिया पे कोई खास इफेक्ट नहीं है, तो आप ये चीजें उमिट करें, आपको जरूरत नहीं है अब लेप्रेसी में स्कैल्प का या जेनिटल एग्जामिनेशन या लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन करना। अब आपका एग्जामिनेशन सिर्फ लेप्रेसी तक ही महदूद है। अगला पार्ट ये है कि आपने उसके ना अपर लिम्ब के और उसके फेस के और अपर लिम्ब के आपने नर्व्स का एग्जामिनेशन करना, क्योंकि जो ट्यूबरक्लाइड लेप्रेसी में अगर लिजन 4 आर्म पे है तो नर्व्स भी आम तौर पे आर्म की ही एनलार्ज्ड होंगी। ये नहीं होगा कि कॉमन पेरोनियल नर्व एनलार्ज्ड है और लिजन जो है वो आपका 4 आर्म पे, तो अगर तो बाकी नर्व्स मिस भी हो गई तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो आपका लेप्रेसी का एग्जामिनेशन अगर तो शॉर्ट केस में है तो उसमें आपसे रिक्वायरमेंट पूरा कंप्लीट मोटर मोटर सिस्टम करना पड़ेगा और आपको सेंसरी सिस्टम करना पड़ेगा, वही 4 आर्म का। सेंसेशन भी चेक करेंगे, पावर भी चेक करेंगी आप मसल का, आप अपने आप को उस लेजन
और उससे रिलेटेड एरिया तक रिस्ट्रिक्ट रखेंगी, बाकी चीजों को आप ओमिट कर देंगी। ये 5 मिनट में हो सकता है सब कुछ। राइट सर, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल नहीं? अगर सवाल नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करते हैं।